Hello friends, today we are going to discuss a very interesting topic and I want you all to focus only towards the lecture and after that I am sure you will never forget this topic in the entire period of your preparations. So let's start this topic of electricity. So kaun sa topic discuss karne wale hain aaj hum? Electricity. Jisme ki bahut important topic hai jo ki aaj hum discuss karne wale hain, Kirchhoff law of electrical नेटवर्क. तो किरचॉफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जो कि इम्पोर्टेंस थ्री टर्म्स है, जिसे हम कहेंगे फर्स्ट जंक्शन कहेंगे, सेकंड लूप कहेंगे, और जो कि थर्ड है हमारे उसे हम ब्रांच कहेंगे, जो कि किरचॉफ लॉ में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं. तो कि फर्स्ट कौन सा है? जंक्शंस. तो जंक्शन किसे कहेंगे हम? एनी पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट वेयर टू और मोर कंडक्टर्स आर जॉइंड टूगेदर इज ए जंक्शन. तो जंक्शन कैसे फॉर्म हो रहा है हमारा? कि जब हम टू कंडक्टर्स लेते हैं, कंडक्टर मीन्स ऐसी चीज कि जिसमें से करंट का फ्लो इजीली हो सकता है, उसे हम कंडक्टर कह सकते हैं. तो लेकिन एक ए वायर कंसीडर की और एक सेकंड वायर कंसीडर की, इनको क्या कर दिया है हमने? जॉइन कर दिया. जहां पे जॉइन किया है वो पॉइंट क्या मिलेगा हमें? जंक्शन मिलेगा. तो उसे क्या कहेंगे हम? जंक्शन कहेंगे. और इसी सर्किट में हमें कौन कौन से जंक्शन मिल रहे हैं? जंक्शन ए और जंक्शन बी. समझ में आया किसे जंक्शन कहने का? उसके बाद सेकंड जो है हमारा लूप. तो लूप कैसे कहेंगे हम? एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज कॉल्ड एज लूप. ऐसा पाथ की जो कंडक्टिंग मतलब क्या, जहां पे करंट का फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में, ऐसा पाथ मतलब इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कंसिडर किया मतलब वहां पे ऑब्वियसली करंट का फ्लो होने वाला है, उसे हम कंडक्टिंग पाथ कहने वाले, और उसे क्या कहेंगे हम? लूप कहेंगे. और मेश, उसे क्या कहते हैं? लूप और मेश, दूसरा वर्ड उसे मेश कहते हैं हम. तो लूप कौन कौन से फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे? लूप ऐसा है कि जहां से स्टार्ट होता है वहां पे फिर से उसका एंड होता है. तो देखिए यहाँ पे ए सी डी बी ए, ये होगा इस साइड का लूप. अभी इस साइड का लूप कौन सा होगा? ए ई एफ बी ए, ये हो गए टू लूप्स. और थर्ड लूप कौन सा फॉर्म होगा? जो कि सी से स्टार्ट होने वाला है, सी ए ई एफ बी और डी के बाद सी, फिर से ये लूप फॉर्म हो रहे. समझ में आए लूप किसे कहने का और जंक्शन किसे कहने का? और उसके बाद आता है हमारा ब्रांच. तो ब्रांच किसे कहने का? ब्रांच इज एनी पार्ट ऑफ नेटवर्क दैट लाइज बिटवीन टू जंक्शन, जो कि हमारे टू जंक्शन से उनके बिटवीन जो लाइन होने वाला है, ऑब्वियसली उसे क्या कहने वाले हम? ब्रांच कहने वाले. तो कौन कौन से ब्रांच मिल रहे हैं यहाँ पे? थ्री ब्रांचेस मिल रहे हैं यहाँ पे, जो कि फर्स्ट पाथ कौन फॉलो कर रहा है, जो कि थ्री पाथ में मिल रहे हैं हमें. थ्री ब्रांचेस हमें कौन कौन से फॉर्म में मिल रहा है यहाँ पे? हमने थ्री पाथ कंसिडर किए, उसे थ्री पाथ की मदद से हमें थ्री ब्रांचेस मिलने वाली. देखिए फर्स्ट ब्रांच कौन सी मिलने वाली है? ए सी डी बी, मतलब ए सी डी बी. लूप कैसे फॉर्म होता है? कि वो जहां से चालू होता है फिर से वहां से उसका एंड हो रहा है, उसे हम लूप कहेंगे. लेकिन ब्रांच जहां से शुरू होती है वहां पे उसका एंड नहीं हो रहा है. कहाँ पे हो रहा है? देखिए ए सी डी बी, और बी पे क्या हो रहा है? स्टॉप हो रहा है. यहाँ पे इतनी जो पोर्शन मिल रहा है हमें, जो कि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इतना मिल रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? ब्रांच कहेंगे. जो कि सेकंड ब्रांच, सेकंड पाथ कौन सा फॉलो हो रहा है? ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक ये सेकंड ब्रांच मिल रही है हमें. और थर्ड ब्रांच कौन सी मिल रही है हमें? ए ई एफ बी. समझ में आए ब्रांच किसे कहने का, जंक्शन किसे कहने का, और लूप किसे कहने का. उसके बाद जो कि किरचॉफ लॉ है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे. जो कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या है, उसका स्टेटमेंट है, The algebraic sum of current is equal to zero. The algebraic sum of an currents at a junction is zero in an electrical network. Obviously, electrical network जब form होगा वहाँ पे Kirchhoff law obey होने वाला है, और वहाँ पे Kirchhoff law मिलने वाला है हमें. तो क्या होता है? जो algebraic sum of current is equal to zero होता है, जिसमें कि हम sign convention, जो कि sign convention है वो बहुत ही important role play करते हैं. उसकी मदद से Kirchhoff law हम verify कर सकते हैं, जो कि first law है Kirchhoff का. क्योंकि साइन कन्वेंशन में फर्स्ट ए कौन सा साइन कन्वेंशन बोला गया है? द करंट्स अराइविंग एट द जंक्शन आर कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव, मतलब जो करंट जंक्शन के पास आने वाला है वो ऑब्वियसली पॉजिटिव कंसिडर करने का, और जो जंक्शन के दूर जाने वाला है ऑब्वियसली वो निगेटिव कंसिडर करने का. तो देखिए यहाँ पे जो कि इस डायग्राम है, इस डायग्राम के माध्यम से हम समझ लेते. तो अप्लाइंग द साइन कन्वेंशन एट जंक्शन पी, जो कि जंक्शन पी है हमारा, यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन यूज करने वाले. तो देखिए जो कि अराइविंग होने वाला है, मतलब जो कि जंक्शन के पास आने वाला है वो कौन सा है, जो कि पॉजिटिव होने वाला है, वो कौन कौन से दिख रहे हैं यहाँ पे? जो कि I4 दिख रहा है, I3 दिख रहा है, और I1 दिख रही है. देखिए
कौन कौन सा, I1, I3 और I4, देखिए इन तीनों को पॉजिटिव साइन आए, और जो बचे हुए I2, I5 और I6 से क्या कर रहे हैं, जंक्शन से दूर भाग रहे, जंक्शन से दूर जा रहे, इसलिए इनको कौन सा साइन आने वाला है, नेगेटिव साइन आने वाला है। और जो कि किरचॉफ लॉ है वो हमें मालूम है, जो कि अल्जेब्रिक सम हम करते हैं करंट की इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। जब हम साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे तो करंट की सम आएगी वो इज इक्वल टू क्या आने वाली है, ऑब्वियसली जीरो आने वाली है। अगर इस जो कि हमें इक्वेशन मिला है उस इक्वेशन से हम अगर इसको रीअरेंज करेंगे तो रीअरेंज करने के बाद ऐसा लिख सकते हैं हम, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। देखिए यहाँ पे जो कि इनकमिंग करंट से I1, I3 और I4 इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, जो कि कौन कौन से मिला है हमें, I2, I5 और I6 मिले। क्यों गाइस, साइन कन्वेंशन बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिया है, पर जब आपको सर्किट डायग्राम में साइन कन्वेंशन यूज करने होते हैं उसके लिए हम एक सर्किट डायग्राम का एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। देखिए हमारी सर्किट डायग्राम आ गई, तो इस सर्किट डायग्राम को हमें साइन कन्वेंशन अप्लाई करना है। तो जब हमें साइन कन्वेंशन अप्लाई करना होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक लूप कंसिडर करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लूप कंसिडर करेंगे, जो कि कौन सा किया है हमने, कंसिडर द लूप ए बी एफ जी ए इन अ कौन सा सेंस है, यहाँ पे इन अ क्लॉकवाइज सेंस। देखिए यहाँ पे क्लॉकवाइज सेंस में है और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हमें लूप कंसिडर करने वाले, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज सेंस में हमें लूप कंसिडर किया है। तो इस पे क्या करेंगे हम, साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे। तो जब हमारा लूप ए बी, देखिए हमारा कहाँ पे से कहाँ जा रहा है, लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन कैसे होने वाली है, यहाँ पे हमारी लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन कैसी है, सेम होने वाली है। तो ए बी और करंट की डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में है, लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम होने वाली है। तो जब ऐसा ऑब्जर्व होगा हमें तो हम डायरेक्टली जो कि हमारा करंट से उसका सिर्फ साइन रहता है वो निगेटिव दे देने का। देखिए यहाँ पे क्या है, लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन कैसी है, सेम होने वाली है। तो करंट का कैसा साइन आया है, माइनस I1 R1, जो कि V इज इक्वल टू IR के अनुसार हम लिख सकते हैं, माइनस I1 R1, और यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। उसके बाद देखिए लूप कहाँ से कहाँ जा रहा है, B2 लेके F तक, और फिर से करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन कैसे होने वाली है, सेम होने वाली है। तो देखिए क्या मिलेगा यहाँ पे, सिर्फ कौन सा साइन आएगा अभी बच्चों, जो कि माइनस साइन आएगा, क्योंकि लूप की और हमारी डायरेक्शन कौन से होने वाली है, लूप की और करंट की डायरेक्शन सेम होने वाली है। फिर से माइनस I3 I5, फिर से लूप की और हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्यों कौन सी है, सेम डायरेक्शन है। फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस I1 एंड R3। लेकिन जब हम EMF पे आते हैं तो EMF का ध्यान में लीजिए कि EMF को साइन कैसा देने का, तो जब हम निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के जाते हैं, देखिए यहाँ पे ये एक छोटा वाला कौन सा होता है, निगेटिव होता है, और बड़ा वाला पॉजिटिव होता है। तो जब हम निगेटिव से पॉजिटिव तक जाएंगे तो पॉजिटिव दे देने का, मतलब जहाँ पे हम छूटता है, जहाँ पे एंड होता है वो डायरेक्टली साइन दे देने का उसको। देखिए ये मैप को कौन सा साइन आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। अगर हमारी डायरेक्शन ऐसे लेके जी तक होती तब हम क्या करते हैं, पॉजिटिव से निगेटिव आते। इफ EMF ट्रेवल्स फ्रॉम और करंट ट्रेवल्स फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव देन द साइन ऑफ EMF कौन सा आएगा, निगेटिव आएगा। जब हम जो जहाँ पे हम छूटता है, जहाँ पे हम एंड होता है वो डायरेक्टली साइन वहाँ पे दे देने का, इतना ध्यान में रखने का कि जहाँ पे छूट रहा है वो साइन हम दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमारी डायरेक्शन कैसे जा रही है, जी से लेके ई ए तक डायरेक्शन जा रही है, कहाँ पे छूट रहे हैं हम, हमारा एंड कहाँ पे हो रहा है, पॉजिटिव को हो रहा है। तो देखिए आ गए पॉजिटिव साइन। इसी सिंपल तरीके से जब हमने अगर क्या कंसिडर किया, बी सी डी एफ बी, ये लूप कंसिडर किया हमने, तो हमने क्या किया है, बी से लेके सी तक गए, लेकिन हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन से, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा, प्लस I2 R2। हमारे डायरेक्शंस, लूप की डायरेक्शंस और करंट की डायरेक्शन कैसी होने वाली है, जब अपोजिट होंगी तो वहां पे करंट को प्लस साइन आता है, बट जब लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम होंगी तब क्या होने वाला है, करंट को कौन सा साइन आने वाला है, निगेटिव साइन आने वाला है। और यहाँ पे हमने जो कि EMF है वो हमने सॉर्ट आउट कर लिया, इक्वेशन जो कि था निगेटिव साइन के, जो करंट की वैल्यू आए थे वो इस साइड को शिफ्ट कर दी, और इससे हमें E1 मिल गए, जो कि EMF है फर्स्ट लूप का। तो सेकंड लूप का सेम वैसे ही निकलेंगे हम, ओके। इसी सिंपल तरीके से हम हमारा जो कि 12th स्टेट बोर्ड का सिलेबस है वो कंप्लीट करने वाले हैं, ओके। थैंक यू।